हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 5वां वीडियो है, और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो आज का हमारा टारगेट है वर्नर का सिद्धांत या वर्नर थ्योरी। तो बेटे आज हमें पढ़ना है कि जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर, और उन्होंने हमें क्या बताया था उप सह संयोजक यौगिकों के बारे में, उसके बारे में बेटे आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है वर्नर का सिद्धांत या वर्नर थ्योरी। ठीक है बेटे, इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सीखेंगे सब बच्चे, ठीक है, फिर पढ़ेंगे। तो बेटे जैसे कि हमारा आज का टॉपिक वर्नर का सिद्धांत है या वर्नर थ्योरी है, इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो बेटे, वर्नर के अनुसार किसी उपसह संयोजक यौगिक का फार्मूला कुछ इस तरीके का होता था, CO Cl3 × 6 NH3। मान लो मैंने एक उपसह संयोजक यौगिक का सूत्र लिखा है। अब आपको इस सूत्र को देख के कुछ अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर आपने ऐसा तो किसी उपसह संयोजक यौगिक का सूत्र या फार्मूला हमें अभी तक सिखाया नहीं है, और आपने ये फार्मूला इस तरीके से क्यों लिखा है। बेटे ये जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है CO Cl3 × 6 NH3, ऐसा बताया गया था वर्नर के द्वारा कि किसी उपसह संयोजक यौगिक का सूत्र लगभग इस तरह का होता है। पर इसी सूत्र को हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऐसे CO NH3 का होल 6 और बाहर लिखते हैं हम Cl3। ये दोनों बेटे एक ही पदार्थ हैं, एक ही उपसह संयोजक यौगिक हैं। इसे आप कहते हो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस बात को समझाने के लिए, स्पष्ट रूप से ज्यादा समझाने के लिए वर्नर ने हमें क्या कहा, वर्नर ने कहा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, यही तो है केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें यही तो है केंद्रीय धातु परमाणु। वर्नर ने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही उपसह संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखे गए हैं, अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, ये तरीका हमने सीख रखा है और इस तरीके को मैंने आज आपको पहली बार दिखाया है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। लिगेंड्स कितने हैं, 6 एमीन लिगेंड्स हैं, और यहां भी 6 एमीन लिगेंड्स हैं, और 3 क्लोराइड आयन है, इसमें भी 3 क्लोराइड आयन है। तो आपको पता है कि जो हिस्सा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे कहते हैं उपसह संयोजक परिसर या उपसह संयोजक मंडल या समन्वय सत्ता। ये बात तो हमने सीख ही ली है, पर बेटे जरा कुछ अलग बात सीख लें। वर्नर ने कहा कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है, एक तो प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर प्राथमिक संयोजकता का क्या मतलब है और द्वितीयक संयोजकता का क्या मतलब है, इन दोनों के मतलब को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटे वर्नर ने कहा कि यदि आप CONH3 का होल 6Cl3 या CO Cl3 × 6 NH3 का स्ट्रक्चर संरचना बनाते हो, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट तो बीच में है और 6 उस पे जुड़े हुए हैं एमीन, तो 6 एमीन में इस तरह जोड़ूंगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने आपको सिखाया था उपसह संयोजक बहुफलक, ये मैंने जोड़ दिए एमीन, 1 एमीन 2 3 4 5
और एक छह, कितने अमीन जोड़े? छह। इन छह अमीन को मैंने रेगुलर लाइन से जोड़ा है, सतत रेखा द्वारा जोड़ा है। और बेटे तीन है क्लोराइड, तीन है क्लोराइड, उन तीन क्लोराइड में से एक क्लोराइड को तो यहां जोड़ दूंगा, एक क्लोराइड को यहां जोड़ दूंगा और एक क्लोराइड को यहां जोड़ दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीन क्लोराइड यहीं जुड़े, इधर भी जुड़ सकते थे, या वन टू थ्री इधर भी जुड़ सकते थे, कहीं भी जुड़ सकते थे, हमें तीन जगह क्लोराइड जोड़ने थे। तो वर्नर का कहना यह था कि आपके पास जब कोई उपसह संयोजक यौगिक है और उपसह संयोजक यौगिक में आपको दो तरह की संयोजकताएं देखने को मिलती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, तो ये जो डॉटेड लाइन वाली संयोजकता है ना बेटे, डॉटेड लाइन वाली, इसे उसने कहा था प्राथमिक संयोजकता। ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं, ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। वर्नर ने कहा था कि प्राथमिक संयोजकता को हम डॉटेड रेखा द्वारा या बिंदुदार रेखा द्वारा दिखा सकते हैं, और प्राथमिक संयोजकता का जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है, और यदि आप किसी उपसह संयोजक यौगिक को जल में घोल दोगे तो प्राथमिक संयोजकता वाला बॉन्ड कमजोर होने के कारण टूट जाएगा, यानी कि ये वाले, ये तीनों सीएल नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। इसीलिए बाद में वैज्ञानिकों ने क्या करा, इन्हें ब्रैकेट से बाहर रखा। तो प्राथमिक संयोजकता तो वो होती है जो कमजोर है, जिसे आप बिंदुदार रेखा द्वारा दिखाते हो, जल में घोलने पर जो संयोजकता अलग हो जाती है, आयनित हो जाती है, यानी कि वो बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड होता है दुर्बल, कमजोर होता है, ठीक है बेटे। और द्वितीयक संयोजकता क्या है? द्वितीयक संयोजकता वर्णन में बताई कि द्वितीयक संयोजकता वो है जिसे आप रेगुलर रेखा यानी कि एक सतत रेखा द्वारा दिखाते हैं, ये द्वितीयक संयोजकताएं हैं। द्वितीयक संयोजकता को सतत रेखा या रेगुलर लाइन द्वारा इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो द्वितीयक संयोजकता से बनता है वो बॉन्ड बेटे मजबूत होता है, और पानी में घोलने पर या किसी भी विलयन को तैयार करने पर, मान लो उपसह संयोजक यौगिक को किसी विलायक में घोल के आपने एक विलयन तैयार करा, तो बेटे उस विलयन में ये द्वितीयक संयोजकताएं कभी भी आयनित नहीं होती हैं, यानी कि इनके बॉन्ड द्वितीयक संयोजकताओं के बॉन्ड कभी भी नहीं टूटते हैं। तो ऐसी संयोजकताओं को कहा गया द्वितीयक संयोजकता। तो बस आपको अपने दिमाग में एक बात बिठानी है कि वर्नर ने कहा था कि किसी उपसह संयोजक यौगिक में दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा दिखाई जाती हैं, पहली तो प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। एक बात ये ध्यान रखनी है कि प्राथमिक संयोजकता को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और वो कमजोर बॉन्ड होता है, पानी में घुल के वे सारे कमजोर बॉन्ड टूट जाते हैं जो प्राथमिक संयोजकताओं से बने हैं, और एक जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसे आप रेगुलर लाइन यानी सतत रेखा द्वारा दिखाते हो क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया बॉन्ड मजबूत होता है, और जल में घुलने के बाद वो द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा बनने वाला बॉन्ड कभी भी नहीं टूटता है क्योंकि वो एक मजबूत बंध है जो द्वितीयक संयोजकताओं से बना है, और उस बंध को आप उपसह संयोजक बंध कह सकते हो, ठीक है बेटे। बस मुख्य रूप से इन बातों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप एक काम करो, आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है वर्नर के सिद्धांत को समझाने के लिए, अब इसे डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे और ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ठीक है बेटे। तो वर्नर ने हमें क्या बताया बेटे, यहां से लिखना शुरू करूं, चलो। वर्नर के अनुसार किसी उपसह संयोजक यौगिक में, वर्नर के अनुसार किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता, दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, ठीक है बेटे। केंद्रीय धातु परमाणु कितने प्रकार की संयोजकता दिखाता है? दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, जिसमें से पहली होती है प्राथमिक संयोजकता, या आप प्राइमरी वैलेंसी भी कह सकते हो,
पहली तो होती है बेटे प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी भी आप कह सकते हो, और दूसरी होती है बेटे द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी भी आप कह सकते हो, द्वितीयक संयोजकता। तो केंद्रीय धातु परमाणु बेटे दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो चलो प्राथमिक संयोजकता के बारे में कुछ बात करेंगे। अच्छी, मैंने लिखा बेटे प्राथमिक संयोजकता, इसके बारे में कुछ बातें समझेंगे कि प्राथमिक संयोजकता में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये हेडिंग बना लिया मैंने, प्राइमरी वैलेंसी भी आप लिख सकते हो बेटे। सबसे पहले वर्नर ने बताया कि प्राथमिक संयोजकताएं जो है ना, वे ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। मतलब वर्नर का मानना ऐसा था कि प्राथमिक संयोजकताओं से हमेशा क्या जुड़ते हैं, ऋण आयन जुड़ते हैं। हालांकि अब ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, उसमें बेटे Cl नेगेटिव आयन हमने लिए थे, वे ऋण आयन ही तो थे। पर अब ये बात बिल्कुल सही नहीं है, पर जब वर्नर का सिद्धांत आएगा तो हमें लिखना पड़ेगा कि प्राथमिक संयोजकताएं किसके द्वारा संतुष्ट होती हैं बेटे, ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरा बताया था वर्नर ने प्राथमिक संयोजकताओं के बारे में, ये विलयन में क्या हो जाती हैं, आयनित, ये विलयन में आयनित हो जाती हैं। ये बात भी बताई थी मैंने, कहा था ना कि आयनों में टूट जाएंगी ये संयोजकताएं। मैं लिख सकता हूं अर्थात आयनन योग्य होती हैं, आयनन योग्य होती हैं। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये संयोजकताएं कैसी होती हैं बेटे, आयनन योग्य होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो Cl नेगेटिव तीन हमने Cl जोड़े थे, उन्हें हमने जोड़ा था बिंदुदार रेखा से, डॉटेड लाइन से, और वो डॉटेड लाइन से इसलिए जोड़ा था क्योंकि कमजोर बॉन्ड है, पानी में घुलते ही टूट जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि ये विलयन में आयनित हो जाती हैं। कौन, प्राथमिक संयोजकताएं, अर्थात आयनन योग्य होती हैं। फिर उन्होंने बात बताई वर्नर ने कि इनको, यानी प्राथमिक संयोजकताओं को, इनको बिंदुदार क्या लिखूं, रेखा लिख दूं, बिंदुदार रेखा इस तरह द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटे। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, बिंदुदार रेखाओं का प्रयोग करोगे इन्हें प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज अब हमें पता चली है कि प्राथमिक संयोजकताओं द्वारा जुड़े ऋण आयनों को, ऋण आयन क्या, आयन ही लिख लो खाली बस, क्योंकि अब तो धनायन भी होते हैं जो प्राथमिक संयोजकताएं दिखाते हैं। प्राथमिक संयोजकताओं द्वारा जुड़े आयनों को बड़े ब्रैकेट से, ब्रैकेट को कोष्ठक लिख दूं बेटे, बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं या लिखा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि बड़े ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं इसे। और बेटे एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे, जिस बच्चे ने 11th की पढ़ाई ढंग से कर रखी है उसके बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बेटे। ये जो प्राथमिक संयोजकताएं होती है ना, प्राथमिक संयोजकताओं की प्रकृति की यदि बात करूं तो बेटे प्राथमिक संयोजकताओं की प्रकृति अदिशात्मक होती है। कैसी होती है, अदिशात्मक, मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं होती कि बॉन्ड इतने इतने एंगल पे बनेंगे और इस त्रिविम विन्यास में व्यवस्थित होंगे। जो द्वितीयक संयोजकता है उसमें ये फिक्स होगा,
पर प्राथमिक संयोजकताओं में मैं बता रहा कि प्रकृति कैसी होती है बेटे, अदिशात्मक होती है। अर्थात जब प्रकृति अदिशात्मक है, यानी कि कोई निश्चित एंगल नहीं है, बॉन्ड एंगल नहीं है, निश्चित उसका स्थान नहीं है त्रिविम में, तो हम कह सकते हैं इस बात को कि अर्थात इनके द्वारा, इनके माने किनके बेटे, प्राथमिक संयोजकताओं के, इनके द्वारा उपसह संयोजक यौगिक की ज्यामिति कह दो, ज्यामिति कह दो या कह दो संरचना का निर्धारण नहीं होता है, यानी कि इनसे नहीं पता चलने का संरचना का, इनसे बेटे संरचना का पता नहीं चलेगा, किससे, प्राथमिक संयोजकता से निर्धारण नहीं होता है। बताओ बेटे, ध्यान रखोगे क्या इस बात का? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं प्राथमिक संयोजकताओं के बारे में, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं वर्नर के अनुसार, विलयन में आयनित हो जाती हैं अर्थात आयनन योग्य होती हैं, बिंदुदार रेखा द्वारा इन्हें दिखाया जाता है, और बेटे बड़े ब्रैकेट से बाहर रखा जाता है प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े आयनों को, और बेटे इनकी प्रकृति अदिशात्मक होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि प्राथमिक संयोजकताओं द्वारा किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के स्ट्रक्चर या ज्यामिति, जिसे आप ज्योमेट्री कहते हो, या संरचना का स्पष्टीकरण हम नहीं दे सकते हैं कि उसकी संरचना, उसकी बनावट किस तरह की होगी। ठीक है बेटे, अब थोड़ी सी हम बात करेंगे द्वितीयक संयोजकता के बारे में। दूसरी जो संयोजकता थी वो थी बेटे द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, या आप कह सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी। तो बेटे द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में आपको क्या क्या समझना है इसमें बेटे? सबसे पहले तो एक बात यह समझनी है, नंबर एक, क्या बस ऐसे ही लिख दूं जैसे प्राथमिक संयोजकताओं के बारे में लिखा? सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये का मतलब द्वितीयक संयोजकता है, ये ऋण आयनों कोमा धन आयनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट हो सकती हैं। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो एक बात को अपने दिमाग में बिठा लो बेटे, ये जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना, ये लिगेंड्स वाली संयोजकताएं होती हैं। आपको तो पता है ना लिगेंड्स का मतलब क्या है, मतलब जितने भी लिगेंड्स जुड़े होंगे केंद्रीय धातु परमाणु से, वे सब द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़े होंगे। कौन सी संयोजकताओं द्वारा? द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा। तो बेटे लिगेंड्स तो धन आवेशित लिगेंड्स भी होते हैं, ऋण आवेशित लिगेंड्स भी होते हैं, और बेटे उदासीन लिगेंड्स भी होते हैं। बताओ तीनों तरह के लिगेंड्स आपको पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? इसीलिए तो मैंने यहां लिखा है, क्या लिखा है कि ऋण आयन भी हैं, धन आयन भी हैं, और उदासीन अणु कुछ भी हो सकते हैं, यानी लिगेंड्स हर तरह का हो सकता है। ठीक है बेटे, अच्छा एक चीज बताऊं बहुत अच्छी बेटे, द्वितीयक संयोजकता जो होती है ना, द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है, किसी पर्टिकुलर यौगिक की बात कर रहा बेटे, एक यौगिक के लिए द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है, किसी एक यौगिक के लिए तो निश्चित होगी ना, सबके लिए तो एक जैसी हो नहीं सकती, क्योंकि सब में केंद्रीय धातु परमाणु अलग-अलग तरह का हो सकता है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि एक यौगिक को किसी एक पर्टिकुलर उपसह संयोजक यौगिक या पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप देखोगे तो उसके लिए द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है, और उस निश्चित संख्या को पता आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो जिसे उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया था ना मैंने, उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। ध्यान रखोगे ये बात कि उस संख्या को क्या कहते हैं, उपसह संयोजक संख्या या उपसह संयोजन संख्या,
या आप बेटे इसे समन्वय संख्या भी कह सकते हो। बताओ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? ठीक है बेटे, इसकी संतुष्टि से यौगिक के उपसहसंयोजक मंडल का निर्माण होता है, उपसहसंयोजक मंडल का निर्माण होता है। बताओ ये बात मैंने बताई थी या नहीं, कि आपको पता होना चाहिए कि जो द्वितीयक संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता में कौन आएगा? केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगेंड्स। तो मुझे यूं बताओ बेटे, केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगेंड्स क्या बड़े ब्रैकेट में लिखे जाते हैं या नहीं? आप कहोगे कि हाँ सर, बड़े ब्रैकेट में यानी कि बड़े कोष्ठक में तो सिर्फ केंद्रीय धातु परमाणु को हम लिखते हैं और उससे जुड़े हुए सारे लिगेंड्स को लिखते हैं। तो वे जो लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं ना बेटे, वे द्वितीयक संयोजकता द्वारा ही तो जुड़े होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा ही तो जुड़े होते हैं, उपसह संयोजक बंधों द्वारा ही तो जुड़े होते हैं। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने लिखा है कि इसकी संतुष्टि से यौगिक के उपसह संयोजक मंडल का निर्माण होता है। ठीक है बेटे, और एक बात और बता दूं, ये जो द्वितीयक संयोजकता है ना बेटे, द्वितीयक संयोजकता विलयन में आयनित नहीं होती है, आयनित नहीं होती है, अर्थात हम लिख सकते हैं आयनन योग्य नहीं है, आयनन योग्य नहीं होती है, लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं होती है। तो जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं बेटे में आयनन योग्य नहीं होती है, वो आयनों में नहीं टूटेगा। ठीक है, जो भी पदार्थ, जो भी स्थिति, जो भी आयन या जो भी अणु द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़ा होगा, अर्थात उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होगा, अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा होगा, वो नहीं टूटेगा। यदि आपने उस उपसह संयोजक यौगिक को पानी में घोल दिया तो द्वितीयक संयोजकता बेटे कभी भी आयनों में नहीं टूटती है। और बेटे एक चीज मैंने और सिखाई थी आपको, अभी जो उदाहरण बताया था कि ये जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना, इनको सतत रेखा, इनको सतत रेखा, सतत रेखा का मतलब कंटिन्यूअस लाइन, सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमें कंटिन्यूअस लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करना। ठीक है बेटे, और एक चीज और लिख लो, आपको पता ही है, हम लिखेंगे कि द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़े, द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़े लिगेंड्स, लिगेंड्स ही तो जुड़ते हैं उससे, द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़े लिगेंड्स वे केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु को बताओ कहां रखा जाता है, बड़े कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में लिखते हैं या रखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो बड़े ब्रैकेट में ही तो लिखा जाता है बेटे, कहां लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में। अच्छा एक काम करो आप, मुझे उम्मीद है कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में काफी कुछ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में एक और बहुत अच्छी बात करेंगे, ध्यान से देखना जरा बेटे। यदि आप द्वितीयक संयोजकताओं की बात करो ना, तो मैं लिख दूं, चलो पूरी बात, द्वितीयक संयोजकताएं प्राथमिक संयोजकताओं
प्राथमिक संयोजकताओं की अपेक्षा, समझ में आ जाएगा एकदम आपके, प्राथमिक संयोजकताओं की अपेक्षा प्रबल बंध बनाती हैं, मतलब इनका जो बंध बनेगा वो मजबूत होगा, प्रबल बंध बनाती हैं। मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या हमने द्वितीयक संयोजकताओं वाले बंध को एक सतत रेखा रेगुलर लाइन द्वारा नहीं दिखाया है? आप कहोगे कि सर हाँ दिखाया है, प्राथमिक संयोजकता को हमने दिखाया है डॉटेड बॉन्ड से और द्वितीयक संयोजकता को हमने दिखाया है रेगुलर बॉन्ड से। इसका मतलब यह होता है कि प्राथमिक संयोजकताओं द्वारा बनने वाला बंध एक कमजोर बंध है और द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा बनने वाला बंध एक मजबूत बंध है, ठीक है बेटे? और उपसह संयोजक बंध जल में कुछ ज्यादा मजबूती दिखाएगा किसी भी विलायक में, क्योंकि उसका नेचर पूर्ण रूप से ध्रुवीय नहीं होता है, आंशिक ध्रुवीय बंध आप कहते हो किसी उपसह संयोजक बंध को। जब आप क्लास 11th में थे तो आपने ये बात पढ़ी थी कि जो उपसह संयोजक बंध होता है जो तीर की तरह दिखाया जाता है वो बंध का नाम उपसह संयोजक बंध भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, और बेटे उसका नाम आपने डेटिव बॉन्ड भी पढ़ा था कि उसका नाम डेटिव बंध भी है, और आपने ये भी पढ़ा था कि उसका नाम सेमी पोलर बंध यानी सेमी पोलर बॉन्ड भी है, आंशिक ध्रुवीय बंध भी है। तो इसलिए बेटे वो पूर्ण रूप से ध्रुवीय नहीं होता, इसलिए जल में वो संयोजकता टूटने को तैयार नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा प्रबल बंध बनाती है। और बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है द्वितीयक संयोजकताओं के बारे में, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। बात यह है कि जो द्वितीयक संयोजकताएं होती है ना बेटे, द्वितीयक संयोजकताओं की प्रकृति, बेटे द्वितीयक संयोजकताओं की प्रकृति होती है दिशात्मक। कैसी होती है? दिशात्मक होती है, दिशात्मक, वहां तो अदिशात्मक था, दिशात्मक होती है। अब दिशात्मक का मतलब ही बच्चों के समझ में नहीं आता है कि दिशात्मक का मतलब क्या है। बेटे दिशात्मक का मतलब होता है कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितने भी लिगेंड्स जुड़ेंगे यानी कि जितनी भी वो द्वितीयक संयोजकता दिखाएगा उन द्वितीयक संयोजकताओं से बनने वाले बंध एक निश्चित दिशा में अपने आप को रखेंगे, उनका एक डेफिनेट स्पेस, एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा। त्रिविम में, त्रिविम तो समझते हो, जहां एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों की बात होती हो, त्रिविम का मतलब जब हम स्पेस में बात करते हैं, आकाश में बात करते हैं, स्पेस या आकाश में जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ दिखाई देती है आपको, ठीक है बेटे? जब मैं बोर्ड पे किसी चीज को लिखता हूं तो बोर्ड पे जब किसी चीज को लिखता हूं तो बोर्ड में तो आप सिर्फ दो अक्षों में ही अध्ययन कर सकते हो, दो एक्सिस में ही स्टडी कर सकते हो। आप बोर्ड में या तो एक्स अक्ष में स्टडी करोगे या वाई अक्ष में। बेटे क्या बोर्ड पे मैं कोई ऐसा चित्र बना सकता हूं जो जेड अक्ष में भी चले और आपके सामने तक इस तरह यूं हवा में बना सकता हूं क्या मैं? बोर्ड तो एक प्लेन है, एक समतल है, और समतल में जब भी आप अध्ययन करते हैं तो समतल में अध्ययन तो दो ही अक्षों में होता है, दो ही दिशाओं में होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। वहां हम जेड अक्ष में तो स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। पर बेटे क्या ये उपसह संयोजक यौगिक भी किसी प्लेन में ही होते हैं? नहीं होते बेटे, नहीं होते। उपसह संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, जैसे हमने एग्जाम्पल कोबाल्ट का लिया था, कोबाल्ट के साथ 3 क्लोराइड लिए थे, 6 लिए थे एमीन, तो क्या वे 6 एमीन किसी एक प्लेन में हैं? बेटे किसी एक प्लेन में नहीं होते, वे तो त्रिविम विन्यास में होते हैं, 3D स्पेस में होते हैं, उनका जो कन्फिग्रेशन होता है वो 3D होता है, जिसे आप कहते हो त्रिविम। वहां लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पूरा स्पेस सब कुछ देख के चलना होता है। तो हम यहाँ कहते हैं कि द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति कैसी होती है? दिशात्मक होती है, यानी कि जितनी भी द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धातु परमाणु दिखाएगा उन द्वितीयक संयोजकताओं से बनने वाले जितने भी बॉन्ड होंगे और जितने भी लिगेंड्स उन बॉन्ड से जुड़े होंगे तो वे बॉन्ड और वे लिगेंड्स एक डेफिनेट पोजिशन, डेफिनेट डायरेक्शन, निश्चित दिशा में होंगे, एक निश्चित स्थिति में होंगे त्रिविम में। तो हमने लिखा है कि द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक होती है, अतः इनके द्वारा
अतः इनके द्वारा किसी उपसह संयोजक यौगिक इनके द्वारा किसी उपसह संयोजक यौगिक की ज्यामिति उपसह संयोजक यौगिक की ज्यामिति या संरचना को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है बेटे, तो ज्यामिति संरचना 3D स्ट्रक्चर हम पता चलेगा, किससे पता चलेगा हमें, द्वितीयक संयोजकताओं से। जैसे मैं आपको कह सकता हूं कि कैसी कैसी संरचनाओं का हमें पता चल सकता है। वर्नर ने क्या क्या बताया हमें, वर्नर ने बताया कि जो चतुष्फलकीय यौगिक होते हैं ना, चतुष्फलकीय जिसे आप कहते हो टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय संरचना का हमें पता चलता है द्वितीयक संयोजकताओं से। जैसे वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर आप इसे कहते हो, इसका पता चलता है हमें द्वितीयक संयोजकता से। और बेटे वहां जब मैंने आपको बताया था तो अष्टफलकीय भी बताया था, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, ये संरचनाओं का पता हमें द्वितीयक संयोजकताओं से ही चलेगा। इन सभी संरचनाओं का पता कहां पढ़ाया था बेटे, इसके बारे में, इसके बारे में पढ़ाया था उपसह संयोजक बहुफलक या उपसह संयोजक बहुभुज जब बताया था, तो वहां ये तीनों स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन करे थे। जैसे चतुष्फलकीय संरचना की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ होगा, मेटल एटम, धातु परमाणु, M से लिखा है, M का मतलब मेटल, ठीक है। चतुष्फलक है तो एक तो बॉन्ड इधर बनेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ध्यान से देखो ये चारों बॉन्ड रेगुलर है ना, कैसे हैं, रेगुलर बॉन्ड है, यानी सतत रेखा द्वारा मैंने प्रदर्शित किए हैं। जब ये बॉन्ड सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किए हैं, इसका मतलब यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये द्वितीयक संयोजकताओं को दिखा रहे हैं, और जब ये द्वितीयक संयोजकताओं को दिखा रहे हैं तो इनसे निर्धारण होगा कि वो जो यौगिक है, जो उपसह संयोजक यौगिक है, उपसह संयोजक यौगिक में बेटे कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, चार, और जब उसमें चार लिगेंड्स जुड़े हुए हैं तो वे चार लिगेंड्स जब आपस में जुड़ेंगे द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा, तो इस तरह का संरचना बनेगा, चतुष्फलकीय संरचना। स्ट्रक्चर कैसा है, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है। अब यदि चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर की आप बात करो तो इसे मैं आपको समझा सकता हूं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बेटे ऐसा होता है कि मान लो आपके पास ये कितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं बेटे, चार बॉन्ड हैं, तो ये चार बॉन्ड आपको फिलहाल तो नजर आ रहे कि इसी बोर्ड के प्लेन में हैं, जैसे बोर्ड पे चिपके हुए हैं, पर बेटे चारों बॉन्ड बोर्ड पे चिपके हुए नहीं हैं। ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा ना, इस बॉन्ड की खासियत ये है कि ये बॉन्ड या तो बोर्ड के परली तरफ है या फिर बोर्ड से बाहर को निकलता हुआ है हमारी तरफ, और ये वाला बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में आप इसे मान सकते हो। ये बॉन्ड भी, यदि ये बॉन्ड बोर्ड के परली तरफ है तो ये दोनों बॉन्ड हमारी तरफ हैं, और यदि ये वाला बॉन्ड हमारी तरफ है तो ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के परली तरफ हैं, और ये बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में हो ऊपर वाला। देखो ध्यान से देखियो जरा, मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आप बेटे इस स्ट्रक्चर को देखो, देख रहे इस स्ट्रक्चर को, यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे इसमें आपको कितने बॉन्ड नजर आ रहे, चार ही तो बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। ये बॉन्ड आपकी तरफ जा रहा, आपकी तरफ, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड मेरी तरफ है, और ये वाला बॉन्ड ऊपर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं चतुष्फलक। क्या कहते हैं बेटे, चतुष्फलक। देख रहे ना आप इस स्ट्रक्चर को, देखो ध्यान से देखो, ये चतुष्फलक है, यानी कि इसमें एक बॉन्ड आपकी तरफ, ये बिल्कुल सीधा आपकी तरफ नहीं जा रहा, नीचे को है, ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड ऊपर है। इसमें बेटे चार फलक हैं, चार फलक का मतलब चार बॉन्ड नहीं है, चार फलक का मतलब चार प्लेन। जरा ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, देख रहे हैं आप, यूं बताओ यदि मैं इस स्ट्रक्चर का, इस संरचना का आपको तली दिखा दूं, बॉटम दिखा दूं, पेंदा दिखा दूं, दिखाऊं पेंदा, देखो ये है, यही तो है। आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या एक प्लेन को रख सकते हो? आप कहोगे हाँ सर, एक प्लेन सरफेस इसके ऊपर रख सकते हैं।
एक ऐसा समतल यहाँ रख सकते हैं जो इस पे और इस पे टच करेगा। एक हो गया, लो मैं बॉटम को नीचे ले गया दोबारा। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, इधर को घुमाया, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यहाँ भी तो रख सकते हो एक प्लेन को, कितने हो गए, दो। फिर मैंने इधर घुमाया, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यहाँ भी तो रख सकते हो एक प्लेन को, कितने हो गए, तीन। भाई तली और दो बराबर वाले, और जरा इस वाले को तो देख लो, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यहाँ भी एक प्लेन को रख सकते हो। तो आप कितने प्लेन रख सकते हो यहाँ, चार, चार फलक बना सकते हो। कितने फलक बना सकते हो बेटे, चार। जब आप इस पर चार फलक बना सकते हो तो हम ऐसी संरचना को क्यों नहीं कहेंगे चतुष्फलकीय। ये चतुष्फलकीय संरचना है, बच्चों को बहुत कम समझ में आती है, चार फलक हैं, चार इस पर प्लेन बन सकते हैं, एक प्लेन तो यहां रखा जा सकता है। कैसे, देखो ध्यान से देखियो जरा, इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, ये त्रिभुज एक प्लेन है और इस प्लेन को मैंने रखा है कहां, इन नीचे वाले तीनों पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे। तो ये तो बेटे एक प्लेन बना, एक प्लेन इधर बनेगा, एक प्लेन इधर बनेगा, एक प्लेन पीछे की तरफ बनेगा, तो कितने प्लेन बन जाएंगे, चार। तो इसलिए चार फलक बनेंगे, इसलिए इस संरचना का नाम चतुष्फलकीय है। दूसरी संरचना क्या है, वर्ग समतलीय। यदि चार लिगेंड है तो ऐसे जुड़ सकते हैं, और चार लिगेंड हैं तो ऐसे भी जुड़ सकते हैं। देखो ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, समतल में है, इसलिए हम कह रहे हैं वर्ग समतलीय है। ये आपस में मिलकर वर्ग ही तो बनाएंगे, ये क्या बनेगा, ये इस तरह बनेगा जैसे वर्ग होता है, और चारों के चारों बॉन्ड बोर्ड पे चिपके हुए हैं बिल्कुल, जब ही कहा है समतलीय। और फिर हमने तीसरा कहा है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कब बनेगा, जब बनेगा जब छह लिगेंड जुड़े होंगे, एक दो तीन चार, ये तो चारों प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है चारों, ये चारों बेटे बोर्ड के प्लेन में है, छह जोड़ने हमें, और एक लिगेंड यहां जुड़ेगा और एक लिगेंड यहां जुड़ेगा, तो कितने जुड़ गए लिगेंड, छह जुड़े। अब ये तो चार बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, सही बात है, ये वाला बॉन्ड बेटे बोर्ड के प्लेन में बिल्कुल भी नहीं है। ये बॉन्ड पता कैसा है, ये बॉन्ड ऐसा है, ये जो बॉन्ड ऊपर है वो ऐसा है, ऐसा बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, और ये वाला बॉन्ड ये बोर्ड के परली तरफ है, अंदर जाता हुआ बॉन्ड। तो इसे हमने अष्टफलकीय पता क्यों कहा बेटे, अष्टफलकीय इसलिए कहा, आप जरा दिमाग से सोच के देखियो ढंग से, कि इसमें आठ फलक हैं भाई, ये चारों बॉन्ड तो आपको पता है बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो ऊपर बना है ये बॉन्ड बाहर की तरफ को निकला हुआ है, जब ये बॉन्ड बाहर की तरफ को निकला हुआ है, ध्यान से समझियो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, क्या एक प्लेन रख सकते हो आप इसके ऊपर, आप कहोगे कि सर बिल्कुल रख सकते हैं, एक एक यहां भी तो रखा जाएगा, दो, एक ऊपर से तीन, एक नीचे से चार, तो चार प्लेन तो यहां निकल गए, चार प्लेन यहां निकल गए, चार प्लेन यहां निकले, बताओ चार प्लेन नहीं निकलेगा, चार फलक नहीं निकलेगा। जब चार फलक इस बॉन्ड पे बन गए बाहर की तरफ, तो कि चार फलक बेटे इस बॉन्ड पे नहीं बनेंगे अंदर की तरफ, तो चार और चार कितने फलक हो गए, आठ फलक हुए, आठ फेस हुए, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं संरचना को अष्टफलकीय संरचना। और बेटे कुछ बच्चे जो ज्यादा ही इतराते हैं, वे इस अष्टफलकीय संरचना को कहते हैं, पता क्या कहते हैं, वर्गाकार द्वि पिरामिड, ठीक है, समझ में आ रहा, वर्गाकार द्वि पिरामिड, एक पिरामिड हमारी तरफ को उठ रहा बाहर की तरफ को, और एक पिरामिड परली तरफ को जा रहा, तो आप इसे वर्गाकार द्वि पिरामिड भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटे, वर्गाकार द्वि पिरामिड। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, चलो ये तो होगी, हमें पता चल गया कि वर्नर ने कुल मिला के हमें दो बातें ही बताई हैं और कुछ नहीं बताया है। कौन सी दो बात, वर्नर ने कहा था कि किसी उपसह संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। वर्नर ने कहा कि प्राथमिक संयोजकता कमजोर बॉन्ड बनाती है जिसे आप डॉटेड लाइन से दिखाओगे, और उसका कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होगा, निश्चित उसका कोई स्थान नहीं होगा। द्वितीयक संयोजकता वो है जो मजबूत बॉन्ड है और उसे आप एक सतत रेखा यानी कि एक कंटिन्यूअस लाइन यानी कि एक रेगुलर लाइन से दिखाओगे,
और वो पानी में घुल के बॉन्ड इतना मजबूत है कि टूटेगा नहीं, वो लिगेंड से जुड़ने वाला बॉन्ड है। ठीक है बेटे, तो चलो एक एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लें, थोड़ी सी ध्यान से समझेंगे। अब दिमाग का खेल है बेटे, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। हम चलो उसी यौगिक की बात कर रहे हैं जो हमने पहले लिखा था नोट्स में। आप जब मैंने शुरू में समझाया था ना, तो वहां से नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स वहां से बनाने हैं जहां मैंने आपको लिखाना शुरू करा था, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले समझाया था उसी एग्जाम्पल को बेटे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा। देखो COCl3 × 6NH3, उस एग्जाम्पल को वहां समझाने का मतलब पता क्या था वहां बेटे? इसलिए समझाया था जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि वर्नर ने आखिरकार हमें बताया क्या था, हमें किस बारे में डिस्कस करना है। तो ये आपके पास एक उपसह संयोजक यौगिक है, इस उपसह संयोजक यौगिक को आप ऐसे भी लिख सकते हो CO NH3 ⁄6 और Cl3। देखो दोनों बातों का एक ही मतलब है, आप वर्नर ने इस तरह बताया और अब हम ज्यादा होशियार हो गए कुछ तो हम ऐसे लिखने लग गए। तो वर्नर ने कहा कि आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट है। क्या है बेटे? कोबाल्ट। उस पे कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं? 6। तो 6 लिगेंड्स चाहे तो यहां देख लो, चाहे तो यहां देख लो, ये 6 लिगेंड्स आपको जोड़ने हैं द्वितीयक संयोजकता से। तो 6 जोड़ने हैं तो 6 तो इसी तरह जुड़ेंगे बेटे, यही तो है संरचना। तो 6 को जोड़ने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6 क्या जोड़ने हैं? 6 NH3, ये जोड़ दिए NH3 6। यहां आपको उपसह संयोजक बंध नहीं दिखाना है, कभी इन सब के तीर बना दो, यहां तीर नहीं बनाने हैं। वर्नर ने जब हमें समझाया था तो उसे तीर के बारे में इतना पता नहीं था कि उपसह संयोजक बंध बनेगा। यहां जब भी आप वर्नर की थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे तो वहां उपसह संयोजक बंध बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बना लोगे। उसके बाद 3 बनाने Cl, 3 बनाने Cl जो ब्रैकेट से बाहर हैं, यानी आयनिक मंडल, उन्हें आप बनाओगे डॉटेड रेखा से। जैसे एक डॉटेड रेखा ये बना दी Cl, एक ये बना दी Cl, एक ये बना दी Cl। तो ऐसा संरचना आपको बना के आना है। उदाहरण में यदि मैं क्वेश्चन पूछे कि वर्नर के सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट करूं, तो वर्नर का सिद्धांत हेडिंग डालनी है, उसमें लिखना है कि वर्नर ने बताया उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, द्वितीयक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, और फिर एग्जांपल देना है COCl3 6NH3 का। ठीक है बेटे, चलो अच्छा एक और एग्जांपल ले लें, यहां लिख दूं एक एग्जांपल, आप नीचे लिख लेना, मेरे पास तो पता है आपको जगह थोड़ी कम होती है, आपको एग्जांपल नीचे ही लिखना है, कभी आप भी मेरी तरह कंजूसी दिखाओ, मेरे पास तो दूसरा जगह कम है इसलिए मुझे एक बोर्ड पे ही ज्यादा से ज्यादा काम करना होता है। आपके पास तो आपकी नोटबुक में बहुत सारे पेज है ना। देखो एक एग्जाम्पल हम ले रहे COCl3 5NH3, COCl3 5NH3 और एक है इसके साथ जुड़ा हुआ H2O। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु, उसके पास NH3 जुड़े हुए हैं 5 और H2O भी एक लिगेंड है और 3 Cl जुड़े हुए हैं, उन्हें आप जोड़ सकते हो बाहर। आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो एक ही बात है। अब देखो कोबाल्ट बना दिया, ये बना दिया कोबाल्ट, कितने 5 NH3 और 1 H2O, 6 जोड़ने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 NH3 जोड़ दो, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 5 ही तो जोड़ने बेटे, एक जोड़ना H2O, ये भी लिगेंड है, ये भी रेगुलर बॉन्ड से ही जुड़ेगा। अब बाहर कौन है? 3 Cl है, देखो बाहर है 3 Cl, बस 3 Cl का तो आपको बताइए यही जोड़ दो पुराने हिसाब से, 1 Cl यहां जोड़ दिया, 1 Cl यहां जोड़ दिया, 1 Cl यहां जोड़ दिया। तो ये दो एग्जांपल आप लिख कर आ सकते हो। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कुछ बहुत अच्छी बातें करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब सीखेंगे हम एक बहुत जबरदस्त बात, ध्यान से देखेंगे सब। अब हम सीखेंगे कि मान लो आपके पास कोई यौगिक है, कैसा यौगिक? उपसह संयोजक यौगिक है,
और बेटे उस उपसह संयोजक यौगिक में आपको प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या। तो प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या ज्ञात करने का क्या तरीका है? एक बहुत अच्छा तरीका है बेटे, और उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में। तरीका पता क्या है? तरीका यह है कि आप जो है किसी उपसह संयोजक यौगिक को ले लो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरे पास है CO Cl3 × 4 NH3 है। चलो मान लो मेरे पास एक उपसह संयोजक यौगिक है CO Cl3 4 NH3। तो आप इस उपसह संयोजक यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, जो पानी में आपने घोल रखा है सिल्वर नाइट्रेट को, तो आप इसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में मिला दो, घोल दो। मतलब आपने क्या करना है, उपसह संयोजक यौगिक लेना है और उस उपसह संयोजक यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में घोलना है। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में घोलने पर क्या हो सकता है? दिमाग खोल के बैठियो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिमाग खोल के बैठना, नींद नहीं आनी चाहिए किसी को बिल्कुल भी। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे सिर्फ। ठीक है बेटे, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक उपसह संयोजक यौगिक है। मैंने इस उपसह संयोजक यौगिक को लिया है, इसी पे ही हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे। इधर हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट का घोल। उपसह संयोजक यौगिक को जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में घोल दोगे तो क्या क्या बातें हो सकती हैं? देखो यहां फिर दोबारा लिखा मैंने CO Cl3 × 4 NH3 + AgNO3। ध्यान से समझियो जरा, यहां लिखा CO Cl3 × 4 NH3 और यहां फिर लिखा AgNO3 और AgNO3। देखो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उपसह संयोजक यौगिक का एक Cl और एक Ag निकल जाए और हमें मिले यहाँ AgCl। क्या मिले बेटे? AgCl। और AgCl मिलने के साथ क्या बने, यहाँ क्या बनेगा? COCl बचेगा और बेटे 4NH3 बचेंगे। और क्या बचेगा? वो जो Cl निकला है, दो तो बची गए, एक ही तो निकला बेटे, दो बच गए, ये लिख दिया COCl2। और जो निकला है Cl उसकी जगह कौन आ जाएगा? NO3। ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझने वाली बात पता क्या है यहाँ? समझने वाली बात यह है कि उपसह संयोजक यौगिक के 3 Cl आयनों में से केवल एक Cl आयन ही आयनित हुआ है, अलग होके निकला है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से 2 Cl निकल जाएं 2 Ag के साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास बनेंगे 2 AgCl, सिल्वर क्लोराइड के 2 अणु बनेंगे। और यहाँ क्या बचेगा? COCl बचेगा और बेटे 2 NO3 आ जाएंगे यहाँ। इन्हें पहले ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो आप पहले भी। और 4 NH3 जो के तू हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। इन तीनों में से कोई सी एक बात हो सकती है। और बेटे ऐसा भी हो सकता है कि तीनों Cl तीनों Ag के साथ निकल जाएं और बन जाएं 3 AgCl। क्या बन जाए? 3 AgCl। अब हमारे पास यौगिक साइड में क्या बनेगा? CO, ये तीनों NO3 आ जाएंगे यहाँ और × 4 NH3 है। तो जब किसी उपसह संयोजक यौगिक को आप सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन की अधिकता में घोलते हो तो ये 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। शायद उसमें से एक Cl हट जाए, 2 हट जाए या 3 हट जाए। यदि उस उपसह संयोजक यौगिक में से एक आयन अलग हुआ है तो समझो कि एक ही बॉन्ड कमजोर था, यानी एक ही बॉन्ड डॉटेड था, यानी कि प्राथमिक संयोजकता केवल एक थी। कितनी थी? एक। देखो इसमें कितने संयोजकताएं नजर आ रही है आपको? आपको 4 तो ये जुड़ रहे और 3 ये जुड़ रहे। तो हमें पता चला कि इस रिएक्शन में यदि एक AgCl बना है तो एक Cl अलग हुआ है, और एक Cl अलग हो गया तो मैं कहूंगा प्राथमिक संयोजकता तो एक है। यहां लिख दूं मैं, ऐसी स्थिति में हमें पता चला है कि प्राथमिक संयोजकता कितनी है? एक। और बेटे द्वितीयक संयोजकता कितनी है?
बताओ क्या पता चला है द्वितीयक संयोजकता के बारे में? ये तो अलग नहीं हुए, चार और दो इसमें से अलग नहीं हुए, तो द्वितीयक संयोजकता यहाँ छह है। कितनी है? छह। और यदि ऐसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है कि दो मिले हमें AgCl, दो AgCl मिले, तो इसका मतलब दो Cl यहाँ से हट गए, यानी कि दो Cl जो है वे डॉटेड बॉन्ड से जुड़े हुए थे, कमजोर बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो दो Cl हट के दो AgCl मिले हैं, तो जितने AgCl मिलते हैं वो तो होती है प्राथमिक संयोजकता। और द्वितीयक संयोजकता वो होती है कि कितने आयन बचे हैं। देखो चार तो बचे हमारे पे NH3 और एक इसमें से बचा, चार और एक पांच, तो द्वितीयक संयोजकता बेटे यहाँ पांच है। कितनी है? पांच। और इस केस में आइयो जरा, इस केस में तीन Cl थे, तीनों निकल गए, तीन AgCl, जितने AgCl मिलते हैं वो तो होती है प्राथमिक संयोजकता, तो प्राथमिक संयोजकता तो तीन है। और बेटे द्वितीयक संयोजकता पता कितनी है? द्वितीयक संयोजकता सिर्फ यो है, यही तो बचे सिर्फ, यानी कि चार। तो ये वाला खेल आपको खेलना आना चाहिए जरूर, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर जो पेपर सेटर है पता कैसा क्वेश्चन रखता है? पेपर सेटर क्वेश्चन रखता है कि आपके पास एक उपसह संयोजक यौगिक है और उसका फार्मूला ये दे रखा है, उस उपसह संयोजक यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट की अधिकता वाले विलयन में घोल दिया और घोलने से हमें इतने AgCl मिले, एक मिला, दो मिला, तीन मिले, चार, वो बताएगा कि इतने AgCl के अणु मिले हमें या मोल मिले हमें। तो आप यूं बताओ कि इस दिए गए उपसह संयोजक यौगिक की प्राथमिक संयोजकता पूछ लेगा, और यदि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो पूछेगा कि यार तुम द्वितीयक संयोजकता बता दो ना यार, जब तुम इतने बड़े 30 मार्क हाँ अपने आपको समझ रहे। तो हम कहेंगे कि हाँ क्यों नहीं बता सकते भाई, तो पूछ तो सही, हम बताएंगे कितनी संयोजकता है, हम प्राथमिक भी बताएंगे, द्वितीयक भी बताएंगे, और हम पूरा पोस्टमार्टम कर दें इसका उपसह संयोजक यौगिक का, इसकी जो है पिछली पीढ़ियों और अगली आने वाली पीढ़ियों के बारे में बता दें कि ये क्या था क्या बन गया है। तो आप तो बेटे पूरा पोस्टमार्टम कर दोगे यदि आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है बेटे? तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है? इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बिल्कुल एकदम। देखो जरा क्वेश्चन है बेटे, उदाहरण नंबर एक है हमारी किताब का, जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्न यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकताएं बतलाइए। हमें बतानी है बेटे धातु की द्वितीयक संयोजकता। इन्होंने केवल द्वितीयक संयोजकता पूछी है, प्राथमिक नहीं पूछी है, हम प्राथमिक भी बता सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है हमारी, ठीक है बेटे? इधर तो दे रखा सूत्र, ये सारे उपसह संयोजक यौगिक हैं अलग अलग तरह के, और फिर कहा AgNO3 मिलाने पर एक मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या, कि कितने AgCl हमें मिले हैं। अब बेटे ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, मुझे यूं बताओ कि इस यौगिक में कितने Cl हैं? दो। और AgCl कितने मिले हैं? दो। इसका मतलब दोनों के दोनों Cl हट गए हैं यहां से, दोनों के दोनों Cl कमजोर बॉन्ड यानी प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए थे। इसे गिनना है बेटे, चार चार है ना NH3, चार और दो छह, छह संयोजकता में से दो तो चले गए बाहर, अब हमारे पे कितने बचे? चार बचे ना NH3, तो यहाँ इसकी प्राथमिक संयोजकता तो दो है, जितने भी AgCl बने हैं वे प्राथमिक संयोजकता है, और बची हुई तो द्वितीयक संयोजकता होगी। देखो दो तो जुड़ रहे थे Cl, चार जुड़ रहे थे NH3, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार NH3 को छोड़ के दो Cl तो चले गए हैं बाहर, तो प्राथमिक संयोजकता तो दो है और द्वितीयक संयोजकता ये बची कितनी है? चार। इस केस को देखो सेकंड को, इसमें भी दो ही बने यानी कि दोनों Cl बाहर भाग गए, कितने बचे? छह, छह जल के अणु बचे, इसका मतलब इसकी द्वितीयक संयोजकता छह है और प्राथमिक संयोजकता कितनी है ये लिखी भी दो। इसमें बताओ, इसमें बेटे AgCl का एक भी अणु प्राप्त नहीं हुआ, एक भी मोल प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब सारे के सारे मजबूत बॉन्ड से जुड़े हुए, चारों तो Cl और दो जल के अणु, चार और दो छह, तो इसमें प्राथमिक संयोजकता तो जीरो है और द्वितीयक संयोजकता छह है। अब आ जाओ नंबर चार पे, नंबर चार में तीन Cl हैं, चार NH3 हैं, चार और तीन सात, सात में से एक Cl निकला, प्राथमिक संयोजकता एक है, दो यही बच गए, चार और दो छह, इसका मतलब प्राथमिक संयोजकता तो एक है और द्वितीयक संयोजकता छह है। बताओ समझ में आ रही है ये बात? जितने भी AgCl बने हैं वो प्राथमिक संयोजकता है, और सारी संयोजकता जैसे चार और दो छह,
छह में से दो गए, कितने बचे? चार। वो चार द्वितीयक संयोजकता ही तो बची। इसमें देखो, इसमें दो सीएल हैं, दो एनएच3 हैं, चार हैं और कोई भी एजीसीएल नहीं बना। इसका मतलब प्राथमिक संयोजकता तो इसमें कुछ भी नहीं है और द्वितीयक संयोजकता सारी है, दो और दो चार, ये चार यहाँ द्वितीयक संयोजकता है। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि वर्नर का सिद्धांत या वर्नर थ्योरी आपके समझ में आया होगा। बेटे मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, किसी भी यूनिट को शुरू से पढ़ना चाहिए और उसे बारी बारी से सारे वीडियो उसके देखने चाहिए, साथ साथ लिखना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेने चाहिए, जो छूट जाता है उसे स्क्रीनशॉट में से पूरा कर लेना चाहिए। अपने नोट्स बेटे आपको बनाते रहने चाहिए और बेटे पढ़ाई में जितनी मेहनत करोगे ना, भविष्य उतना अच्छा हो जाएगा आपका, देख लेना चाहिए। इस बात को लिख के रख लो एक कोरे कागज पे कि कमल सर ने कहा था कि आप पढ़ाई में जितनी मेहनत करोगे आपका भविष्य उतना अच्छा होगा। उसमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।